नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या आप जानते हैं कि देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है और यह पाइपलाइन कहां से शुरू होकर कहां तक जाती है। इन दोनों के सवालों के जवाब लगभग एक जैसे ही हैं। वो यह है कि गुजरात के कांडला पोर्ट से शुरू होकर के यूपी के गोरखपुर तक जाने वाली गैस पाइपलाइन जो कि एलपीजी गैस पाइपलाइन है। 2,805 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन भारत के तीन राज्यों से होकर गुजरेगी। गुजरात के कांडला पोर्ट से शुरू होकर मध्य प्रदेश और यूपी के गोरखपुर तक जाएगी। जो इस पाइपलाइन से गुजरात, एमपी और यूपी तीनों राज्यों को लाभ मिलेगा, यानी कि तीनों राज्य इस गैस पाइपलाइन से लाभान्वित होंगे। इस पाइपलाइन की लंबाई गुजरात में 1076 किलोमीटर, एमपी में 621 किलोमीटर और यूपी में 1108 किलोमीटर है। यूपी के 18 जिलों से होकर गुजरेगी और साल 2019 में इस गैस पाइपलाइन की आधारशिला रखी गई थी और इसे 2024 तक इसे लक्ष्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पाइपलाइन में तीन कंपनियों की भागीदारी है। IHBL तीन संयुक्त कंपनियों का उद्यम है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 50% हिस्सेदारी है और भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 25% हिस्सेदारी है। इस उद्यम का उद्देश्य परियोजना को लागू करने और उसके प्रबंधन और संचालन के लिए किया गया है। आइए फ्रेंड्स, गूगल से इसका मैप निकालते हैं और वहाँ से देखते हैं। तो स्कीम सिमेट्रिक रूट मैप, ये देखिए, ये PNGRB की साइट पे पड़ा हुआ एंट्री पॉइंट एंड डिलीवरी स्टेशन। ये एंट्री पॉइंट है कांडला, यहाँ से गैस कांडला पोर्ट पर अलग अलग स्थानों से आएगी और फिर उसके बाद अहमदाबाद, कोयली, इंदौर, भोपाल, बीना, झांसी, कानपुर होते हुए ये देखिए इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर तक जाएगी। इसमें रूट मैप भी दिया है, इस मैप के जरिए भी हम इसे समझ सकते हैं। ये मैप है, ये देखिए गुजरात का कांडला पोर्ट है, यहाँ से शुरू होती है अहमदाबाद होते हुए, ये मध्य प्रदेश होते हुए इंदौर, भोपाल और झांसी, ललितपुर झांसी होते हुए उरई और कानपुर, इलाहाबाद होते हुए वाराणसी होते हुए ये गोरखपुर तक जाएगी। तो रूट मैप के जरिए आपको इसमें लेटर सबमिट है, इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट ग्रांट फॉर द ऑथराइजेशन फॉर लेइंग बिल्डिंग ऑपरेशन एंड एक्सपेंडिशन पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एलपीजी पाइपलाइन फ्रॉम कांडला टू गोरखपुर अंडर द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ऑथराइजिंग। ये यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन योर ग्रांट ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर लेइंग बिल्डिंग ऑपरेशन ऑपरेटिंग और द एक्सपेंशन ऑफ द पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।